काजा नहीं होगा आज, क्यों नहीं? ओके फ्रेंड्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से सॉरी, एक्चुअली कल रात हम व्लॉग नहीं एंड कर पाया, मैं टाइम नहीं था, बहुत थके हुए थे, बस जैसे तैसे करके हमें होटल मिल गया, कि होटल भी नहीं मिला था, फुल था, यू नो पेंडेमिक टाइम चल रहा है, अभी ख़त्म हुआ है, जितने भी लॉकडाउन से सारे बंद कर दिए, तो आधी जनता यहीं पे पहुंची हुई है मनाली, तो होटल सारे बुक थे, चलो लकीली वी फाउंड अ होटल अभी। तो ऐसा आज का हमारा प्लान है, मेन काजा पहुँचना है, बट उसके बीच में जितनी भी चीज़ें आएंगी, लाइक चंद्रताल आएगा, चंद्रताल हम कवर करने वाले, सो लेट्स सी क्या क्या कवर करते हैं आज। तो वैसे एक अपना रूम दिखा देता हूँ, तो अपना रूम कुछ इस टाइप का है, आई नो बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, और एंड ये चीज़ मैं डेफिनेटली डालने वाला हूँ, ये देख लिया भाई कैसे बोल रहे हैं, ये मनीष का ऐसे ही चलता है, अरे मनीष का ये तड़का लग रहा बनता है। ओके सो फाइनली हम आ चुके हैं अपनी बाइक्स पे, तो भाई सबसे पहला स्टॉप हमारा होने वाला है फ्यूलिंग के लिए, बिकॉज भाई मेरी आरसी और यू नो 9.5 लीटर की टंकी है। सो फ्रेंड्स अब हम करने वाले हैं मनाली को टाटा बाय बाय, ये मनाली की माल रोड है, मेन दो चौंक आते हैं, ये माल रोड चौंक है मेन, एंड वो जो सारी आप देख रहे हो वो सारी आपकी मनाली की माल रोड है, एंड ये चौंक। सो दिस इज़ डे टू एंड यू आर वॉचिंग आर एन मोटो व्लॉग, एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल तो क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब करो, एंड लुक एट द ब्यूटी मैन, बहुत ज़्यादा सुंदर है, एंड हमें पता चला है कि स्पीति में शायद बर्फ़ भी पड़ी है, यू कैन सी द माउंटेन्स कवर्ड विद द वाइट स्नो, वो सो वी आर गोइंग टू अप हिल्स, मोर अप हिल्स टू द स्पीति साइड, एंड बिफोर वी आर सर्चिंग अ फ्यूल पम्प, सो विल कैन फ्यूल फिल अप आर जेरी कैंस। ओके सो स्टे ट्यून, अभी मिलते हैं विद इन अ फ्यू मिनट्स। वन आवर लेटर। ओके फ्रेंड्स, सो फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और हम गए थे द टेस्ट ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट में। सो भाई खाना बहुत ऑसम था, ये बॉलीवुड थीम्स के ऊपर बना हुआ था, जितनी मूवीज थी 90s से 70s की लेके हर एक मूवी का यहाँ पे आपको बैनर मिल जाएगा, बहुत ही सुंदर जगह थी, बट नो डाउट लिटिल बिट खाना थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। एंड फ्रेंड्स अभी हम जाने वाले हैं रोहतांग से, हमारा पहले कट आएगा ऊपर की तरफ, हमारा रोहतांग चला जाता है एंड साइड पे हमारा है स्पीति कट। सो फ्रेंड्स अभी बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग आने वाली है, बहुत फन आने वाला है, सो स्टे ट्यून, जल्दी मिल रहे हैं ऑफ रोड वाले ब्लॉक पे, सो डोंट मिस दैट पार्ट गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सीरियसली बहुत मज़ा आने वाला है। सो फ्रेंड्स, सो अभी जिस टनल से निकले थे वो थी अटल टनल, यहाँ से लेफ्ट साइड लेंगे तो आपको सारा ले का एरिया मिलेगा, एंड वी आर गोइंग टू स्पीति, एंड यहाँ से ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर आगे जाके हमें एक डाइवर्जन मिलेगी जो कि है स्पीति का, सो स्टे ट्यून अभी हम। सो फ्रेंड्स हमारा एक्चुअली चेकिंग के लिए पुलिस वालों ने रोका था, बट हम अगर ना रुकते तो ये रास्ता जो जा रहा है रोहतांग पास को जा रहा है, आगे थोड़ा आगे से लाइक 50 मीटर से पीछे ही स्पीति का कट पड़ता है जो कि ये है, एंड ये हमारी सड़क है भाई, अगले 70-80 किलोमीटर तक की, वो आगे तक मतलब कि 70-80 किलोमीटर हमें यही मिलने वाला है, टोटली प्योर ऑफ रोड,
सो भाई अब ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा इतना लंबा, और वो भी आरसी पे। लेट्स सी हाउ इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ से हमारा ऑफ रोड शुरू होता है सारा। ये हमारा स्पिति कट है जहाँ से हमने अभी टर्न लिया है। तो सो आर ऑफ रोड बिगिंस। ऑफ रोड की पहली मिट्टी आंखों में घुस गई है। और ओवर अभी तक जैसे हम आगे पीछे चल रहे थे थोड़ा बहुत, बट अभी डिसाइड हुआ कि भाई बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होना, सब ने इकट्ठे चलना है। ये ऑफ रोड स्टार्ट। मेरा पत्थर आया सामने, मिट्टी इतनी उड़ती है कि दिखता नहीं सामने। नाइस। ओह मैन, बूंगा बूंगा हो गया। हिल गए। आ हा, ये पीछे से छलांग बजती हुई। ऐसे फीलिंग है, कभी मैं ऊपर, कभी बाइक ऊपर, कभी बाइक नीचे। ये 70-80 किलोमीटर्स बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाले हैं हम लोगों के लिए, बिकॉज यही सड़क काजा को जाती है और कोई सड़क काजा को नहीं जाती। सो आवर फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग, जो कि मैं पहले दूसरों को करने दूंगा। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। कौन करेगा पहले? कोई नहीं, अब क्या, चलो नहीं। मैं निकालता हूँ, मेरी वीडियो बनाना। हाँ, मनीष जी ने हिम्मत करी पहले। ओके, सो भाई पहली वाटर क्रॉसिंग बहुत ही स्मूथली हो गई। अब आपको मेरी आवाज़ों में बम्प भी सुनने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बम्प्स हैं, क्योंकि टोटली ऑफ रोड है। ओके, बट यार जब हल्की सी भी गर्दन ऊपर करो ना, मज़ा आ जाता है। दिल करता बाइक रोक के यहीं पे ये सीनरी ही देखने लग जाए। सेकेंड वाटर क्रॉसिंग, साथ साथ ही हैं। ओके नाइस वन, तो ले लें बट। ओके सो आई अभी एंटर इन द दिस वन इज लिटिल बिट डिफिकल्ट।
बट मज़ा आया क्रॉस करने में। ओके फ्रेंड्स, सो हम अभी थोड़ा रेस्ट के लिए रुके हैं। ये देखो कर्ची दिखा रहे हैं। तो ये जगह का नाम है खोतड़ू। छोतड़ू 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 जगह का नाम है। मैं भी सोच रहा था खोतड़ू क्या जगह ये। तो भाई हमने यहाँ खाना खाने रुके हैं। तो वैसे कल का ट्रिप जो था, कल का दिन था, वो इट वॉज ओके ओके। बट भाई जो आज का ट्रेल आया ना, जो ट्रैक आया, दी बेस्ट, मज़ा आ गया। और लग रहा है कि कुछ कर रहे हैं आज। तो चलिए इनसे पूछते हैं, पहले तो आपको दर्शन कराते हैं यहाँ के कढ़ी चावल। ये मैंने तो राजमा चावल मंगाए, मनीष ने कढ़ी चावल, इसने दाल चावल, इसने भी राजमा चावल। सो स्टार्ट करते हैं मनीष से। तो मनीष कैसा लग रहा है आपको आके यहाँ पे? यार नज़ारा आ गया भाई। कल का दिन कैसा था? कल का 20% था, आज का 120%। नीचे नीचे गंदी गाली दूंगा तभी जाएगा। होंडा इनस लेके चौड़ा हो रहा है। लिया से बोतल ले लेता। रियान कैसा लग रहा है ट्रिप आपको? ये किलर लुक। एक बंदे ने बोला चुप नहीं रह सकता तू। अच्छा सो फार इज गुड। चलो गुड। बड़ा कैसा लगा विशाल भाई? मजा आ गया चटनी में खा के, मजा आ रहा है एकदम। अंकल जी चटनी बहुत बढ़िया आपकी। सो मजा आ गया। सेम ब्रिज है वो। अभी हम इसके बाद हम जा रहे हैं चंद्रलाल। सो स्टे ट्यून, अभी मिलते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, हम यहाँ से जाने लगे थे, ये कुछ हमारे फ्रेंड्स मिले। भाई सबसे बेस्ट चीज पता क्या लगती है? मतलब कि वो इतनी खुशी मिलती है जब हमें मिलते हैं ना, ऐसे बंदे खुद बुलाते हैं और मोटिवेट करते हैं हमें करने को ये काम, कि वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। आप कोशिश करोगे तभी तो हमारा एंटरटेनमेंट होगा। अब आपको डिसलाइक कर देंगे तो आप कहाँ जाओगे भाई? सीधी सीधी बात ऐसी है, पेंसिल आग लगा दो सब कुछ चीज में, आग लगा देंगे। अपनी मेहनत करो, कोशिश करो, नेक्स्ट हमारे साथ ले। जरूर जरूर जरूर। सो फ्रेंड्स ऐसा है, जब स्टार्ट करी थी ना राइड, तो आई वॉज कि यार हम इन लोगों ने हवा बनाया हुआ है कि ऑफ रोड है। मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी बहुत ऑफ रोड होगी। 70 किलोमीटर्स, आई नो इट्स नॉट अ स्मॉल स्ट्रेच, बट मैंने कहा इस तरह का ऑफ रोड ये नहीं सोचा था मैंने। ये तो भाई नेक्स्ट लेवल ही है। एंड एक्चुअली स्पिति इज रियली नॉट अ कप ऑफ टी दैट यू विल डू वेन एवर यू वॉन्ट। एंड भाई आप यकीन नहीं करोगे, आप सभी हमें निकले को बहुत देर हो चुकी है। एंड कभी कभी तो ऐसे फीलिंग आती है, इधर भी बड़े पत्थर, इधर भी बड़े पत्थर, नदी के बीच में चला रहे हैं हम तो। मोर ओवर पहाड़ों के बीच में अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, जो कि बहुत ही एक नेगेटिव पॉइंट है जो थोड़ा सा भी लेट शुरू करते हैं अपनी राइड। तो लाइक जैसे हम लोगों ने थोड़ी लेट शुरू करी, अब हमें कहाँ, हमने काजा सोचा था, बट काजा तो आज इज टोटली इम्पॉसिबल। पॉसिबल है बट वी डोंट वांट टू राइड लेट नाइट, क्योंकि रात को करा तो भाई कुछ भी हो सकता है। वी डोंट हैव एनी स्ट्रीट लाइट, हम अपनी लाइट्स में, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग हैपन्स। सो वी डोंट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क, सो वी विल डू अ सेफ राइड। तो हम लाइक चंद्रताल से लाइक 5-10 किलोमीटर्स आगे कोई जगह बताई थी, आई डिडंट रिमेंबर, जहाँ हम बैठे थे खाना खा रहे थे।
देयर वाज अ टैक्सी ड्राइवर हु टेल अस कि वहाँ पर आपको कैंप मिल सकते हैं, बिकॉज चंद्रताल में तो आपको बिल्कुल जगह नहीं मिलती कैंपिंग वगैरह के लिए। सो आप देख लो कैसी रोड है भाई, मज़ा आ रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा बहुत आ रहा है, बट फॉर द आरसी राइडर्स एंड हु आर द व्लॉगर स्पेशली, उनके लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, उनकी नेक पेन बहुत ज़्यादा करेगी, क्योंकि एक तो आप हेलमेट थोड़ा अगर आपका हैवी है लीन पे तो वैसे ही पेन होती है आपकी नेक में, मोर ओवर आप इसके ऊपर गोप्रो लगा लेते हो एंड आपकी एक लाइक अगर आपके पास इंटरकॉम है तो इंटरकॉम का भी वेट हो जाता है। आप आओ, आई नो मैं बहुत रुक रहा हूँ बोलते हुए, आई एम नॉट यूज्ड टू विद दीज रोड्स, दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम दिस लॉन्ग स्ट्रेच दीज बैड रोड्स, दिस इज सच अ रियली बैड कंडीशन टू राइड आरसी बाइक्स, सो दैट वाज इट्स गिविंग मी अ ट्रबल। बट मैं अभी आपसे बात कर रहा था जस्ट अभी से, तो आई जस्ट टुक्ड अपसाइड, तो जब वो ऊपर हिल दिखी ना भाई पेन ख़त्म हो गई थी दो सेकंड के लिए, अभी भी देखा पेन ख़त्म। तो मज़ा तो बहुत आता है, रियली यू विल एंजॉय, अगर आपको एडवेंचर का थोड़ा सा भी शौक है ना यार स्पिति करो, मैं कहता हूँ लद्दाख मैं कहता हूँ सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट स्पिति करे बंदा, स्पिति कर ली ना जिस बंदे ने वो दुनिया के किसी भी कोने में जा के अपना राइड करके आ सकता है, वो भी ईजिली, बहुत ज़्यादा ईजी। So stay tuned, हम थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं। Okay. Deepest and मज़ेदार। ओके सुबह ही ऑफ रोड कर करके इतना करा अभी और पड़ा एंड भाई हमारे लिटरली 12 बज चुके हैं सीरियसली। अभी रास्ते में बेचारे दो हिमालयन और रॉयल एनफील्ड वाला था बुलेट जी बाइक, तो उनके दोनों के पिछले टायर पंचर हो गए थे बेचारे, वी कांट एबल टू हेल्प देम, सो बुरा लगा छोड़ के आना, बट व्हाट टू डू, वी हैव ऑल्सो सम मजबूरियाँ कि अब मजबूरी ये है कि हमने सुबह घर में फ़ोन किया नहीं, किया तो उनको पता हो कि अच्छा। फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, वेन एवर यू आर कमिंग टू स्पिति एंड मनाली से जब आप लाइक काजा तक, आप या तो अपने पेरेंट्स को पहले ही इन्फॉर्म कर दो दैट वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट ड्यू टू द नेटवर्क इशू, ओके, सो देल एबल टू देल ऑल्सो अवेयर कि हाँ नहीं कल हो जाएगा कॉन्टैक्ट, नहीं तो बेचारे वो भी परेशान रहते हैं, हम भी परेशान रहते हैं, हम तो डबल हो जाते हैं, वो कैसे, क्योंकि एक तो हमें पेरेंट्स की होती है कि पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है, सेकंड क्या होता है जो हम ये ऑफ रोड कर रहे हैं इससे भी सबसे इरीटेटिंग पार्ट क्या होती है, लाइक वी हैव टू राइड ओनली 10 किलोमीटर पर आवर और मैक्स टू मैक्स 20 to 25, मैक्सिमम 20-25 भी नहीं मैं कहूँगा, इवन यू कैन से पहला और दूसरा गियर, बस इससे ऊपर जाती ही नहीं बाइक। सो फ्रेंड्स प्लीज़ इन्फॉर्म योर फैमिली, सो व्हेन यू आर कमिंग टू काजा फ्रॉम मनाली स्पेशली, दैट वी विल टॉक लेटर और विल टॉक टुमारो, सो दे विल आल्सो एबल टू नो
Yes, they are going to call tomorrow. Okay, so let's see अभी और कितना stretch पड़ा है ये भाई. वैसे पिछले 6 किलोमीटर ने ना बुरा हाल करा हुआ है. एंड यू कैन सी कितने बड़े बड़े पत्थर हैं यार. कहाँ से आए, किसने रखे? सो भाई रेयान की बाइक बीच में फंस गई है. ओ ओ चल 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 चल. Oh man. Oh, oh, oh. So friends, शाम हो गई है भाई. Still we are doing off road. अभी तक off road ही चल रही है अपनी. But जो beauty है और अपनी ये जो off road है, ये दोनों ही ख़त्म नहीं होने पे आ रही. ऊपर देखो तो मज़ा ही मज़ा, नीचे देखो तो adventure ही adventure. Okay, so अब मैं direct आपको जहाँ हम रुकेंगे वहीं पे मिलूँगा और वहीं से हम आपको आगे की अपडेट्स देंगे. सो फ्रेंड्स आ गए हम. एक्चुअली आए नहीं हैं. कहते ना वो कहावत सुनी होगी, आसमान से कूदते खजूर में अटके, कुछ समथिंग लाइक दैट है. बस इस टाइम हम खजूर में अटके हुए हैं बीच में. हमने सोचा था आज काजा किसी भी तरीके से हम पहुंच जाएंगे. हाँ किसी तरीके से हम पहुंच जाएंगे, बट भाई नहीं, किसी भी हालत में नहीं पहुँचे. काजा का चंद्रताल लेक तक नहीं हम पहुँच पाए भाई. लगी पड़ी है हम सब की गंदे वाली भाई. बट कहते हैं किस्मत अच्छी हो, मिल गया हमें सहारा, रैन बसारा. ठीक है तो हाँ मैं नंबर देता हूँ.